हेलो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आ रहा होगा हमने जेई मेंस दे दिया। बहुत सोचो, ये भी डाउट है सर, जेई एडवांस में कितने बच्चों को लिया जाएगा, कितने बच्चे के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। मतलब तो यहाँ पे सिंपल है, ये जेई एडवांस की वेबसाइट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो इसमें पाँच क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो मैं आपको अभी पहला क्राइटेरिया बता रहा हूँ जिसमें आपको परफॉर्मेंस दे रही है जेई मेन्स में। तो उसके जो जेई मेन्स के आपने जो आपको पता है 9 से 10 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, हालांकि जेई मेन्स सेशन टू कम बच्चों ने दिए थोड़ा सा, लेकिन उसमें से 2,50,000 के आसपास बच्चों को लिया जाएगा टॉप जो होंगे। हालांकि इसमें कुछ रिजर्वेशन भी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे ओपन इतना है, फिर ऐसी ओपन PWD है, जनरल EWS, ऐसे सारे कुछ दे रखा है, और ये पूरा मिला के 2,50,000 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आप देख लेना आपकी कैटेगरी कौन सी है, उसके में कितनी सीट्स हैं, क्या कितने स्टूडेंट को लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी लिखा है कि ये हो सकता है कभी कभी थोड़ा ज्यादा निकल सकता है, मान लो किसी के नंबर सेम है तो ये 2,50,000 से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये लेटेस्ट है 2022 के लिए। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को जो रिजल्ट आएगा तो आप ये समझ लो 2,50,000 के आसपास बच्चे एलिजिबल होंगे जेई एडवांस के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।